डर स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई एम सर मोहम्मद अदील जावेद योर साइंस टीचर सेकेंड यूनिट सब्जेक्ट साइंस क्लास टू डियर स्टूडेंट यू आर वॉचिंगडियो ऑफ क्लास टू विच इज़ अ पार्ट ऑफ शाहर वर्चुअल अकेडमी डेयर स्टूडेंट इस वक्त आप जो है सबजेक्ट साइंस की वीडियो देख रहे हैं जो कि क्लास टू से रिलेटेड आपकी जो है सब्जेक्ट साइंस की वीडियो है और ये वीडियो जो है आपकी शाह गिरामर वर्चुअल अकेडमी से रिलेटेड वीडियो है ओके ना लेट सी वॉट इज गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो लेसन नंबर टू सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस देर स्टूडेंट इन दिस वीडियो यू आर एक्सप्लेन आ न्यू चैप्टर हुईटल इज सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस आज की जो वीडियो है इसमें आपको जो है न्यू चैप्टर एक्सप्लेन किया जा रहा है और इसमें जो आपकी मैटर की जो स्टेट्स होती हैं मैटर की जो हालतें होती हैं सॉलिड लिक्विड और गैसेस ये जो है आज के इस चैप्टर में आपको एक्सप्लेन की जाएंगी आपका जो आज का असाइनमेंट है इसमें आपको जो है वर्किंग मटेरियल जो है आपका वो है आपका रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन चैप्टर सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन जो है आज की वीडियो में की जा रही है okay, जैसा कि आप जानते हैं अल्लाह ताला ने इस कायनात में इस दुनिया में कुछ नेचुरल रिसोर्सिस कुछ कुदरती वसाइल पैदा किए हैं वो जो है सबसे पहले आपको बताए जा रहे हैं एयर वॉटर फॉरेस्ट वुड ऑयल विंड एनर्जी नेचुरल गैस आयरन एंड कोल आर नेचुरल रिसोर्सेस ये सब जो भी मैंने आपके सामने नाम लिए जैसे आपका हवा हो गया पानी हो गया जंगलात हो गए लकड़ी हो गई आपका और जो है ऑयल हो गया डीजल ऑयल वगैरह ये सब चीजें जो होती हैं और उसके अलावा जो है आपकी विंड एनर्जी हवा से जो है पैदा होने वाली आपकी तोनाई कुदरती गैस आपका लोहा हो गया कोयला हो गया ये सब चीजें कुदरती तौर पे ये जो है इस दुनिया में पाई जाती हैं इनको जो है आ, मतलब मुख्तलिफ यानी टेक्निक्स के जरिए मुख्तलिफ यानी जो है यानी अपने हम जो है तेकनिक्राइ इस्तेमाल करते हैं और उनके ज़रिए जो है ये चीज़ें जो होती हैं ये जो है हम इनको जो है डिस्कवर करते हैं इन्हें दरियाफ़ करते हैं और फिर इनको जो है बाद में हम अपने इनको का मतलब इस्तेमाल में भी हम लेकर आते हैं और ये हम इनसे हम मुख्तलि यानी अपनी रोज़मर्रा जो इस्तेमाल की चीज़ें जो होती हैं वो उनमें जो य, 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 मतलब जो है वो चीजें इनसे बनती हैं और जो है ये जो है हमारे लिए यानी ये कुदरती जो वसीले हैं कुदरती जो जखायर है अल्लाह जो नीमतें हैं ये जो है हमारे लिए कई तरह से हेल्पफुल होती हैं हमारी मददगार होती हैं मैन मेड मटेरियल्स इसमें आपको बताया जा रहा है वी यूज नेचुरल मटेरियल्स टू मेक अदर मटीरियल कुदरती तौर पे जो मटीरियल्स पाए जाते हैं जैसे आपका लकड़ी हो गई या आपका ऑयल हो गया या गैस हो गई आपका आयरन हो गया या आपका कोल हो गया ये सब चीजें जो होती हैं जो कुदरती तौर पे मतलब जो है मतलब जमीन के अंदर से इनको खोद के जो निकाला जाता है तो ये तो मतलब आपके नेचुरल मटीरियल्स होते हैं जिनको मिनरल्स या माजनियात कहा जाता है लेकिन जो है इन मदनियात को दरियाफ करने के बाद निकालने के बाद जो है इंसान जो होता है वो अपनी जो है टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी रिसर्च का इस्तेमाल करते हुए तहकीकात का इस्तेमाल करते हुए और जो है इनसे जो है अपने मतलब जो है इंसानों के बनाए हुए जो है नई प्रोडक्ट या न्यू मटीरियल जो होते हैं वो जो है बनते हैं जैसे आपका प्लास्टिक हो गया आपका गिलास हो गया या फिर आपका पेपर हो गया ये सब चीजें जो हैं आपका जैसे कागज हो गया प्लास्टिक गिलास वगैरह ये सब जो है आपके मैन मेड मटीरियल हैं इंसानों के बनाए हुए मटीरियल होते हैं ये सारी चीजें जो है आपको पता है कहाँ तैयार होती हैं फैक्ट्री में तैयार हो रही होती हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग जो होते हैं वर्कर्स होते हैं इंजीनियर्स होते हैं वो सब मिलके जो है ये जो नेचुरल जो रिसोर्सिस होते हैं नेचुरल मटेरियल्स जो होते हैं इनको जो है कन्वर्ट करते हैं मैन मेड मटेरियल में इंसानों के बनाए हुए मटेरियल में जैसे आपको तस्वीर दिख रही है आपको एक गिलास नजर आ रहा है या फिर आपको कुछ आप बकेट्स नजर आ रही है बाल्टियां नजर आ रही है जो प्लास्टिक की बनी हुई है नीचे वाला गिलास आपका जो है गिलास या शीशे का बना हुआ है तो ये सारी चीजें जो हैं ये तैयार तो हुई हैं फैक्ट्री में लेकिन जो है इनको जो है तैयारी में यानी इन, इनको तैयार करने में क्या चीज इस्तेमाल हुई हैं नेचुरल रिसोर्सेस इस्तेमाल हुई हैं नेचुरल मटेरियल इस्तेमाल हुए उनकी मदद से ये चीजें आपकी तैयार हुई हैं अब हम आते हैं सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस ऑल मटीरियल अराउंड अस आर सॉलिड लिक्विड और गैसेस आपको मालूम है एवरीथिंग इन वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर इस कायनात में पाए जाने वाली हर चीज जो होती है वो मैटर या मादे की बनी होती है और मैटर या मादा जो होता है वो जो है थ्री स्टेट्स में पाया जाता है उसकी तीन शक्लें होती हैं तीन हालतें होती हैं सॉलिड लिक्विड और गैसेस सॉलिड किसको बोलते हैं ठोस लिक्विड का मतलब माया और गैस का मतलब गैस सही है तो ये जो है तीन आपकी जो है मैटर की जो फॉर्म्स हैं ये जो है हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती है। हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सॉलिड सॉलिड का मतलब होता है कोई ठोस चीज वी कैन सी सॉलिड को हम देख सकते हैं टच छू सकते हैं फील महसूस कर सकते हैं वेग वजन भी कर सकते हैं एंड डिस्क्राइब सॉलिड और सॉलिड चीजों की वजाहत भी हम कर सकते हैं मोस्ट सॉलिड्स आर हार्ड ज्यादातर सॉलिड आपके हार्ड होते हैं सम कैन बी सॉफ्ट लेकिन कुछ सॉलिड आपके नरम भी होते हैं सॉलिड ये होते हैं उनके जो आपको मालूम है सॉलिड लिक्विड और ये जो गैसेस जो होते हैं ये इनका बिल्डिंग यूनिट क्या होता है ये आपके एटम्स के बने हुए होते हैं सॉलिड के जो एटम्स या वो जो मॉलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं वो आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं मजबूती से जुड़े हुए होते हैं तभी जो है सॉलिड का चीजों का एक डेफिनेट आपका शेप होता है लिक्विड्स लिक्विड्स का मतलब होता है माया वी कैन सी एंड टच लिक्विड्स लिक्विड्स को भी माया चीजों को भी हम देख सकते हैं छू सकते हैं जैसे पानी होता है बेटा या फिर जूसेस वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं पेट्रोल वगैरह होता है तो ये सारी चीजें जो बहती हुई हालत के अंदर होती हैं, ये लिक्विड्स होती हैं वी कैन ऑल्सो पोर लिक्विड्स लिक्विड्स को हम जो है बहा भी सकते हैं जैसे आपकी टोटी वगैरह या आपका टैप जो होता है उससे पानी वगैरह जो होता है आपने देखा होगा नलके से बहरा होता है लिक्विड जो होते हैं ये सॉलिड की तरह क्यों नहीं होते हैं हार्ड वजह ये होती है कि इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके दरमियान में स्पेसिस होती हैं थोड़ी थोड़ी जगहें होती हैं आपस में कॉम्पैक्टली या मजबूती से नहीं जुड़े हुए होते तभी जो है लिक्विड जो होते हैं आपके बहती हुई हालत के अंदर होते हैं गैसेस गैसेस को उर्दू में भी आप गैसेस बोलेंगे मोस्ट गैसेस गैसेस कैन नॉट बी सीन जो हैं ये मैटर की वो फॉर्म होती हैं कि इनके जो होते है मॉलिक्यूल फासले फासले होते हैं तभी जो है गैस की कोई शक्ल नहीं होती है गैस इनविजिबल uh, होती है गैस नजर नहीं आती है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स या इसके एटम जो होते हैं बहुत ज्यादा दूर दूर फासले पर होते हैं सो इट इज नॉट ईजी टू टच गैस को ना छुआ जा सकता है एंड डिस्क्राइब दैम और गैस की वजहत भी नहीं की जा सकती है वी कैन समटाइम्स फील दैम हाँ कुछ गैसेस को हम जो है उनकी स्मेल की वजह से हम फील कर सकते हैं महसूस कर सकते हैं जैसे आपके जो है गा, गा, मतलब जो आप किचन में जो आप जो है यानी कुकिंग में जो इस्तेमाल होने वाली जो आपकी गैस जो होती है जैसे आप खाना वगैरह बनाते हैं तो ये वाली जो गैस जो होती है ये नेचुरल गैस होती है लेकिन जो है ना इसको जो इसकी कोई स्मेल नहीं होती इसमें इस स्मेल को डाला जाता है कि अल्लाह ना करे अगर ये लीक होए तो हमें जो है पता चल जाए कि जो है ये मतलब जो है कोई गैस जो है आपके इर्द गिर्द फैल रही है ताकि जो है अल्लाह ना करे कि वहां पे कोई माचिस जला दिया जाए तो जो है उसकी वजह से आग लगने का खतरा भी होता है तो ये गैसेस वगैरह जो होती हैं इनका वजूद होता है ये आपके इर्द गिर्द जो एयर होती है the air around us, made up of gases. हमारे इर्द गिर्द जो एयर मौजूद है हवा जो है वो मुख्तलिफ मजमुआ है क्या आप बता सकते हैं कि जो है कौन सी गैसेस जो है आपकी बहुत ज्यादा जिससे तरह फेमिलियर है वाकिफ हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम से रिलेटेड है अगर आप मतलब जो है वेरी गुड आपने जो है सही इसको गैस किया है जिंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए होती है जो कि हमें एयर से हासिल होती है हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में कार्बन डाइ गैस पैदा होती है वो जो है आपकी एयर में ही मतलब रिलीज होती है और ये कार्बन डाइगैस जो होती हैं ये पौधे इस्तेमाल करते हैं तो मतलब ये कि जो जानवर जो होते हैं जानदार जो होते हैं उनको जिंदा रहने के लिए जो गैसेस चाहिए होती हैं वो जो है उनके इर्द गिर्द जो एयर या इन्वायरमेंट जो है वहां पे ये गैसेस जो हैं ये उनका जो है मौजूद होती है मटीरियल कैन चेंज शेप मटीरियल जो होते हैं वो अपना शेप चेंज कर सकते हैं मटेरियल जो होते हैं वो मतलब जो है जिस हालत में मटेरियल जो होते हैं जमीन से निकाले जाते हैं उसमें जो है हम चेंजिंग ला सकते हैं वी कैन चेंज द फॉर्म्स ऑफ थिंग्स बाई हीटिंग हम जो है हीटिंग के जरिए गर्म करके चीजों की शक्ल बदल सकते हैं जैसे फॉर फॉर एग्जाम्पल अंडा जो होता है आप जब उसको जो है बॉयल करते हैं तो आपने देखा होता है कि बॉइलिंग से पहले उसका क्या शेप होता है अंदर से और बॉइलिंग के बाद हीट करने के बाद उसमें क्या चेंजिंग आ जाती है चीजों को मेल्ट करके पिघला के भी हम जो है अलग अलग शक्लें बना सकते हैं जैसे आपका लोहा हो गया कॉपर हो गया ये सब चीजें जो है जमीन से निकाली जाती हैं ये आपके मिनरल्स होते हैं ये आपके मेटल्स होते हैं और मेटल्स आपको मालूम है हार्ड होते हैं तो मतलब जो है लेकिन जो है मेटल को पहले मेल्ट करवाया जाता है पिघलाया जाता है पिघलाने के बाद जो है हम जो है अपनी मर्जी के हिसाब से हम जो है मुख्तलिफ शेप में मुख्तलिफ सांचों में हम जो है इन मेटल को मतलब जो है कन्वर्ट कर सकते हैं मुंतकिल कर सकते हैं कूलिंग कूलिंग के जरिए ठंडा करने के जरिए से भी हम चेंजिंग ला सकते हैं मुख्तल चीजों में फ्रीजिंग डैम या फिर हम जो है फ्रीज वगैरह करके भी हम चेंजिंग ला सकते हैं पानी जो होता है आपको मालूम है वो आपका क्या होता है सॉलिड मतलब लिक्विड होता है ये मैटर की लिक्विड फॉर्म है लेकिन अगर हम इसी को जो है डीप फ्रीजर में रख देते हैं इस पानी को तो वहां पे जो है क्या होता है ये आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और जिसको हम आइस या बर्फ जो कहते हैं उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है तो जो है हीटिंग के जरिए मेल्टिंग के जरिए कूलिंग के जरिए फ्रीजिंग के जरिए आप जो है जो मटेरियल जो आपकी नेचुरल एग्जिस्टेंस में जो पाए जाते हैं कुदरती शक्ल में जो पाए जाते हैं उनके अंदर हम जो है चेंजिंग कर सकते हैं तब्दीलियों हम जो है कर सकते हैं रॉक्स अब हम डिस्कस करेंगे रॉक्स का मतलब होता है पहाड़ वगैरह या चट्टें वगैरह जो आपकी होती हैं ये भी आपकी सॉलिड होती हैं रॉक्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ रॉक्स जो होते हैं वो जमीन की सरफेस uh, या सतह के ऊपर पाए जाते हैं दे आर ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड कुछ आपके रॉक्स जो होते हैं जमीन के अंदर भी होते हैं जमीन के अंदर भी चटानी होती हैं। पीबल्स uh, आपके यानी जैसे सीपी या मोती वगैरह सैंड आपकी रेत एंड सॉइल और आपके जो है यानी जो मिट्टी वगैरह जो होती है ये कभी जो है आपका रॉक का हिस्सा होती हैं बड़े पहाड़ों का हिस्सा होती हैं आहिस्ता आहिस्ता वहां से रेजा रेजा होके ये जो है वहाँ पे, वहां पे वहाँ से अलग होती रहती हैं और जो है पहाड़ों में जो पानी बह रहा होता है जो बर्फ जमी हुई होती है जब वो मेल्ट होती है पिघलती है तो उनके साथ ही मिट्टी जो होती है नीचे मैदानों में आना शुरू हो जाती है रॉक इज अ वेरी यूजफुल मटेरियल ये रॉक्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं Uh, uh, कुछ रॉक्स uh, जो होते हैं अः uh, ये, ये मतलब आपके जो है बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं जैसे आप देख रहे हैं आपका मार्बल हो गया संगे मरमर वगैरह ये आपका जो है रॉक्स क्या होते हैं या आपका ग्रेनाइट वगैरह होते हैं ये रॉक्स जो होते हैं ये सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं लेकिन कुछ आपके रॉक्स uh, जो होते हैं वो जरा सॉफ्ट भी होते हैं जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल कोयला हो गया या फिर चौक हो गई आपकी जो आप क्लास में चौक जो इस्तेमाल टीचर आपके करते हैं बोर्ड पे लिखने के लिए वाइट चौक जो आपकी होती है तो ये सब जो है आपके रॉक्स जो होते हैं ये शॉर्ट फॉर्म के अंदर होते हैं तो ये जो है आपके रॉक्स जो होते हैं ये भी हमारे लिए यूजफुल होते हैं और इनसे जो है हम अपनी रोजमर्रा इस्तेमाल की मुख्तलिफ चीजें जो है हम जो है इस्तेमाल में लाते हैं जैसे मार्बल वगैरह जो होता है जो पिक्चर में भी शो हो रहा है इससे जो है आपकी मस्जिदें इमारतें वगैरह आपके घर गर, आपके घरों में जो फर्श होते हैं दीवारें वगैरह जो होती हैं उन पे आप ये जो है खूबसूरत जो है ये मार्बल की सिले जो होती हैं ये आप लगाते हैं और जिससे आपका घर या आपकी इमारतें वगैरह जो होती हैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लुक देती हैं खूबसूरत नजर आती हैं कोयला वगैरह जो होता है इसको आप जलाते हैं कोयले को जलाने से क्या होता है यानी जो है आप जानी बोलते हैं कि हीट पैदा होती है ये आग में जलाने के इस्तेमाल में आ रहे होते हैं इनसे फायर पैदा होती है और ये जलाने के इस्तेमाल में आ रहे होते हैं तो ये सब जो है नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो कुदरती तौर पे आपकी जो है अल्लाह ताला ने इस जमीन में और इस दुनिया में पैदा किए हैं तो आज के इस चैप्टर में आपको जो है मैटर की जो थ्री स्टेट्स जो होती हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस इनके बारे में आपको जो है एक्सप्लेन किया गया है उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर जो है समझ में आया होगा और जो है आप जो है मतलब जो है आपको ये वीडियो जो है इंटरेस्टिंग भी लगी होगी अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज